भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 दिवसीय हरियाणा प्रवास के पहले दिन तिलियार लेक रोहतक के कन्वेंशन सेमिनार हॉल में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कोर ग्रुप, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में बंसीलाल शासन के दौरान विकासात्मक रुख अपनाया गया था, जिसके बाद अब भाजपा की सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने हरियाणा में जन कल्याणकारी नीतियों को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी पदाधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। आज लगभग 33 महीने इस सरकार को चलते हो गए हैं। आपको ध्यान में होगा कि उस समय जब सरकार बनाने की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी ने चाहे अपने प्रचार अभियान में अथवा अपने मैनिफेस्टो में कुछ बातें कही थी कि हम जो सरकार बनाएंगे उसमें जो अभी तक की सरकारें जो चल रही हैं हरियाणा में, जिसके कारण से बहुत सी जनता के मन में पीड़ाएं थी, बहुत सी शंकाएं थी, बहुत से कष्ट थे, बहुत सा क्षोभ था, उस सब को दूर करने का काम वो हम करेंगे। जो व्यवस्थाएं बदलने का काम वास्तव में वो हमारा लक्ष्य था कि अभी तक प्रदेश में जो सरकारें आती हैं, किसी भी पार्टी की सरकार अभी तक हरियाणा में रही हो पिछले 48 वर्ष में, सब पार्टियां लीडर केंद्रित होकर के मैं मेरा इसी भाव के अंतर्गत अपनी सारी रचना बनाते थे। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो टारगेट है वो अपना प्रदेश रहेगा, प्रदेश की जनता, जनता का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है।